जाने का आता यूं अबे है जाने का आता यूं तू तो बुकों में कमंदर मिल गया दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आशा करते हैं कि आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, और मैं आपका अपना भाई प्रेम सिंह नेगी पीके। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेगी पीके ब्लॉग। स्वागत है आपका आज का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बने रहे दोस्तों आज के ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं माँ द्वारी माता प्रांगण ग्राम सभा लांखी भटियाणा, और आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 9 बजे से हो रही। और आज कुछ स्पेशल डे है, स्पेशल डे है कि आज हमारी जो 6 महीने की जो माँ द्वारी माता की दियोरा यात्रा था उसका आज अंतिम चरण है, अंतिम दिन है। और आज है गरुड़ क्षण मेला। जैसे कि मैंने आपको लाइव में भी कई बार बताया कि आज 29 फरवरी को गरुड़ क्षण मेला है यहाँ पे। और अभी मैं हूँ मंदिर प्रांगण में, आज आपको दिखाया जाएगा माँ द्वारी माता का गरुड़ क्षण मेला। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मंदिर का आसपास का नज़ारा, ना कि गाँव का जो मॉर्निंग व्यू है। तो और आपको दिखाऊँगा कि कैसे गरुड़ क्षण मेला लगना है आज के ब्लॉग में, आपको पूरा दिखा जाएगा। और सबसे पहले दिखाता हूँ कि गरुड़ क्षण मेला कहाँ से लगेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्राम सभा लांखी का जो मॉर्निंग व्यू, देख सकते काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और ये मंदिर प्रांगण, द्वारी माता प्रांगण, ग्राम सभा लांखी, देख सकते हैं आप लोग द्वारी माता मंदिर। और सामने माँ द्वारी माता, आप लोगों को एक बार दर्शन करा दें माँ द्वारी माता की। ये माँ द्वारी माता सामने, और देख सकते हैं जो भक्तजन है माता के, जो कल रात्रि की वीडियो में आपको गौरी शंकर की वीडियो डालूंगा उसमें दिखाएंगे कि जो भक्तों की भीड़ थी कल का, आपको आपने कल का जो लाइव में भी देखा होगा कि करीबन 2-3 हज़ार आदमी जो कल दिन में थे, आज तो पता नहीं कितनी भीड़ हो सकती है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है भीड़ का। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी भीड़। और ये माँ द्वारी माता का जो मंदिर यहाँ पे, और ऊपर है जहाँ पर वहाँ से लगना है आज का जो गरुड़, वहाँ से गरुड़ भगवान आएंगे यहाँ पे। और यहीं पर जो नारायण भगवान बनाया जाएगा, और वहीं से गरुड़ क्षण का जो आज मेला होगा आपको आगे ब्लॉग में पूरा दिखाया जाएगा। और सबसे पहले मैं जाता हूँ जरा आगे भंडारे की, क्योंकि आज हमारी बारी भंडारे में जो पंचायत भंडारा है मेला कमेटी का, उसमें आज हमारी ग्राम सभा भटियाणा की बारी है 10 नंबर वार्ड की। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले चक्कर भंडारे की तरफ, तो आपको भंडारे की और के नज़ारे भी दिखाएंगे। और सबसे पहले मिलाते हैं आपको और भी जो कमेटी के और लोग हैं हमारे, सबसे आज आपकी मुलाकात कराई जाएगी। हमने माँ द्वारी माता जैसे आप लोगों को दर्शन कराते हैं दोस्तों, सीधे माँ द्वारी माता की, लोग माँ द्वारी माता को भेंट चढ़ाने के लिए लोग धीरे धीरे मंदिर प्रांगण में, और इधर भी देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी धीरे धीरे। और इधर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी जो भीड़ भड़ा का आज जो गरुड़ क्षण मेला का काफ़ी रौनक। और यहाँ पे सामने जो भंडारा, यहाँ पे 2-3 आज लोगों का पर्सनल भंडारा भी है भक्तजनों के लिए, और एक पंचायत भंडारा भी है। और यहाँ पे देख सकते पॉपकॉर्न वाले भैया भी आ चुके हैं, और यहाँ पे स्टॉल वाले भैया भी आ चुके हैं। सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रौनक मेले की, देख सकते आप लोग ग्राम सभा लांखी का जो मॉर्निंग व्यू है काफ़ी अपने आप में एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो ग्राम सभा लांखी का, देख सकते आप लोग। यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है, और ये हमारे जलेबी मास्टर देख सकते हैं किस प्रकार की जलेबी बना रहे हैं हमारे जलेबी मास्टर। ये हमारे भैया जी मास्टर जी, और ये हमारे जलेबी मास्टर काका जी, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जलेबी, इनकी जलेबी में कलर कम हो गया। अरे इधर भी दुकान, चारों तरफ दुकानें सजी हुई है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं फाइनली उस जगह पे जहां पे भंडारा लगा हुआ है, जो पंचायत भंडारा है मेला कमेटी का, जिसको आज हैंडल कर रहे हैं ग्राम सभा भटियाणा। और सबसे मिलाते हैं अपना मेपाल बुला, और इधर और उसे मिलाते हैं जो ये कुछ पलटा पकड़ के कुछ हिला रही है अपना जवाई जी, और सामने काका जी अपने भाई जी,
और इधर देख सकते हैं सभी लोग धीरे धीरे भंडारा की ओर। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो हमारा आज गरुड़ मेला लगना है, सामने जो आपको पेड़ दिख रहा होगा वहाँ से गरुड़ मेला लगना, ये रस्सी देख रहा आप, ये रस्सी लगी है जो इन्हीं पे गरुड़ भगवान ने आना है। अभी ये लोग रस्सी लगा के तैयारियाँ कर रहे हैं और सीधे वहाँ से गरुड़ भगवान जी को जब छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था मंदिर के पास में वहाँ पर आके गरुड़ भगवान जी जो वहाँ पे नारायण भगवान जी को बनाया जाएगा वहीं पे गरुड़ भगवान जी आएंगे। आप धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही और जैसे कि मैंने आपको बताया आज का जो गरुड़ क्षण लगना है वहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, वहाँ पे लोग खड़े वहाँ से गरुड़ क्षण लगना है वहीं आगे पे अपने मोटे भाई यहाँ पे जो गरुड़ आएगा ऊपर से ये डोरी देख रहा हूँ आप जिसे गरुड़ भगवान छोड़ा जाएगा यहाँ पे, यही पे आज का जो गरुड़ छड़ना है। और सामने महाद्वारी माता प्रांगण मैंने आपको पहले भी बताया था और भीड़ देख सकते हैं आप लोग, काफी भीड़ यहाँ पे दिखने को मिल रही एकदम। और यहाँ पे भक्तों की भीड़ देख सकते आप लोग, माता को भेंट चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतार, जगह भी नहीं मिल पा रही भक्तों को भेंट चढ़ाने के लिए। और ये अपने जो लेखाकार अपने ग्राम पंचायत बाकी भटियाणा के जो सरपंच जी, भटियाणा के जो पूर्व प्रधान चाचा जी चंद्र सिंह नेगी जी, सभी लोग यहाँ पे कमेटी के सभी सदस्यगण लगे हुए हैं अपने सभी काम पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी तक कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया कल जो जनसंख्या थी यहाँ पे जो कल हमारा मैंने आपको ब्लॉग सॉरी लाइव में भी बताया था कल के दिन कि हमारा इस द्योरा यात्रा 2023-24 का जो अंतिम बनवाणी का नृत्य कल था और जैसे कि रात का गौरी शंकर का ब्याह हुआ और आज गरुड़ क्षण होगा, इसके साथ जो हमारा जो द्योरा नृत्य का जो कार्यक्रम है समाप्त हो चुका है आज। और कल माता वापस अपने ग्रह में वापस चली जाएगी और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ से गरुड़ क्षण लगना, कहाँ से गरुड़ आएगा, कहाँ पे भगवान नारायण जी को रखा जाएगा, इसी तरह से आप बने रहे ब्लॉग में आपको आगे भी दिखा जाएगा माँ द्वारी माता का जो आज गरुड़ क्षण मेला है। तो दोस्तों यहाँ पे भंडारा भी खुल चुका है और जो भंडारा आज क्रम सभा भटियाना हैंडल कर रही और अभी भंडारा का जो खाना खुल चुका है और आज हमने बनाया भंडारा में छोला और चावल, क्योंकि पूरी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और रोटी पूरी बनाने में टाइम काफ़ी लगेगा तो हमने बनाया छोला चावल और दूसरे चौक में भी ले जाता है आपको। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, इधर भी काफ़ी लोग जो भंडारा का आनंद ले रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और जो मेला कमेटी का जो भंडारा है उसका आनंद ले रहे हैं क्योंकि खाना ज़रूरी है लोगों के लिए, मेले के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ फिर से मेले में और देख सकते हैं थोड़ी देर पहले भीड़ कितनी थी और अभी भीड़ कितनी होगी, एकदम से इतनी भीड़ अचानक देख सकते आप लोग कि जब मैं आया उस समय काफ़ी कम भीड़ थी और काफ़ी जो दर्शक माता के भक्त माँ का गरुड़ क्षण मेला का आनंद लेने के लिए और माँ का आशीर्वाद और प्रसाद लेने के लिए आज क्रम सभा लांकी में पहुँची हुई है। यहाँ पे देख सकते आप लोग काफ़ी भीड़ और जो आप ये पेड़ देख रहे होंगे यहीं पे नारायण भगवान जी को रखा गया है और इन रसों के सारे गरुड़ भगवान जी को छोड़ा जाएगा ऊपर से, इन्हीं रसों के सारे गरुड़ भगवान जी आएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगभग आज ग्राम सभा लांकी में गरुड़ क्षण मेला देखने के लिए करीबन 6-7 हज़ार आदमी की जो संख्या यहाँ पे आज होगी, काफ़ी भीड़ चारों तरफ आप देख सकते हैं भीड़ी भीड़, हर लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिली बैठने की, तो दूर की बात कि इतनी भीड़ है कि लोग बैठने के लिए जगह ढूंढने में परेशान होगी। तो दोस्तों आखिरकार जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो चुकी है
और गरुड़ भगवान जी निकल चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि गरुड़ भगवान जी निकले वैसे यहाँ पे सभी लोगों पे जो देवता आ चुका है देख सकते हैं किस तरह काली अवतार काली रूप सभी लोगों पे काली माता का अवतार आ चुका है। और सभी लोग सामने आप लोग देख रहे कि काली माता अवतार और सामने भीड़ भी आप लोग देख रहे कि काफ़ी भीड़ और देख सकते हैं कि गरुड़ क्षण मेला का जो ये भाव पल जैसे कि मैंने बताया इसमें गरुड़ भगवान जी को छोड़ा जाता है और सामने नारायण भगवान जी बैठे होंगे क्योंकि वहाँ से सीधे नारायण भगवान जी के पास आएंगे गरुड़ भगवान जी। और देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जो माता का अवतार किस तरह भक्तों पे माता अपना अवतार ले चुकी है और गरुड़ जी के आने पर। और आपको दिखाते हैं गरुड़ भगवान जी ऊपर यहाँ से गरुड़ भगवान जी को छोड़ दिया गया यहाँ से काफ़ी दूर है एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है पर क्योंकि धूप भी लगी है तो धूप के कारण अगर गरुड़ भगवान जी पे धूप की रोशनी पड़ने के कारण गरुड़ भगवान जी ठीक से दिख नहीं रहा। काफ़ी दूर है गरुड़ भगवान जी करीबन 200-300 मीटर की दूरी से छोड़ा जा रहा है गरुड़ भगवान जी को। और देख सकते आप लोग किस तरह से लोगों पे देवता आ चुका है माता का अवतार जैसे कि मैंने बताया माँ काली माता का अवतार सभी लोगों पे आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते आप लोग और इधर धीरे धीरे गरुड़ भगवान जी आपको हल्का दिखाई दे रहे होंगे गरुड़ भगवान जी को धीरे धीरे वहाँ से छोड़ा जा रहा है नीचे को रस्सियों के सहारे से। और जैसे ही गरुड़ भगवान जी वहाँ से नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया नारायण जी के पास पहुँचेंगे गरुड़ भगवान जी का विसर्जन हो जाएगा नारायण जी के मुँह में। और काफ़ी भावुक पल है दोस्तों ये जो गरुड़ क्षण मेला का आज आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी भावुक पल माँ हरी माता का ये गरुड़ क्षण मेला का और काफ़ी दूरी से गरुड़ भगवान जी को छोड़ा जाता है। काफ़ी कठिन काम है वहाँ से क्योंकि इतनी दूरी में छोड़ना कई मुश्किलों का सामना करके गरुड़ भगवान जी को यहाँ पे पहुँचना पड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे सामने हल्का क्योंकि दूर है काफ़ी दूर है दिखाई नहीं दे रहा के लिए जैसे नज़दीक पहुँचेगा आप लोग दर्शन कर सकते हैं भगवान गरुड़ जी का। और धीरे धीरे हमारे काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं गरुड़ भगवान जी आप लोग देख रहे होंगे सामने। और भक्तों में काफ़ी उत्साह माता नारी माता के प्रति और गरुड़ भगवान जी के प्रति। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि अभी गरुड़ भगवान जी हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं देख रहे होंगे आप लोग सामने गरुड़ भगवान जी काफ़ी नज़दीक हमारे और धीरे धीरे रस्सियों के सारे गरुड़ भगवान जी को नीचे छोड़ा जा रहा है जहाँ पे कि नारायण भगवान जी को रखा गया है। और काफ़ी भावुक क्षण जब गरुड़ भगवान जी को उतारा जा रहा है। और देख सकते आप लोग किस तरह से गरुड़ भगवान जी धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और भक्तों में धीरे धीरे काफ़ी उत्साह गरुड़ भगवान जी को देखने के लिए किस तरह से भक्त
एकदम गरुड़ भगवान जी को देखने के लिए उत्साहित। और काफी भावुक क्षण हमारे इस ड्योरा यात्रा 2023-24 का, जैसे कि मैंने आपको बताया आज अंतिम जो कार्यक्रम है गरुड़ क्षण का कार्यक्रम माँ द्वारी माता ड्योरा यात्रा 2023-24। और इसके तत्पश्चात कल माता अपने गर्भगृह में वापस विराजमान हो जाएगी। और देख सकते हैं ड्रोन भी काफ़ी घूम रहे गरुड़ भगवान जी के आसपास, लोग फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और धीरे धीरे गरुड़ भगवान जी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। काफी दूर हो गया दोस्तों, आपको जूम करके दिखा था पर मेरे एक हाथ पे लाइव वाला फोन हो गया, क्योंकि लाइव भी साथ ही साथ सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। क्योंकि आपने लाइव वाले वीडियो में भी ज़रूर देख लेना जो आज गरुड़ क्षण मेला का, और लाइव चला रहा हूँ दूसरे फ़ोन से तो आपको जूम करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी भी धीरे धीरे गरुड़ भगवान जी नीचे उतरते हुए, और अभी गरुड़ भगवान जी हमारे काफ़ी नज़दीक आप लोग देख रहे होंगे, सीधे सामने हमारे नज़रों के सामने गरुड़ भगवान जी आ चुके हैं। और आप लोग भी देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से सामने गरुड़ भगवान जी के दर्शन आप लोगों को भी कराए जा रहे हैं। और इसी तरह धीरे धीरे गरुड़ भगवान जी नीचे उतरते हुए भगवान नारायण जी के पास, यहाँ पे कि मैंने आपको बताया भगवान नारायण जी को रखा गया है। और इसी के साथ हमारा जो आज जो अंतिम कार्यक्रम था ड्योरा यात्रा 2023-24 का गरुड़ क्षण का, आप लोग देख लेंगे ये भावुक पल, ये भावुक क्षण गरुड़ क्षण का। और धीरे धीरे गरुड़ भगवान जी अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। गरुड़ भगवान जी को यहाँ पे नारायण जी के सामने ले गए हैं। आज इसी के साथ, और इसी के साथ जो हमारा आज का जो इस ड्योरा यात्रा का अंतिम नृत्य गरुड़ क्षण का वो समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ हमारा जो ड्योरा यात्रा 2023-24 की जो अंतिम लीला गरुड़ क्षण की लीला आज इन रस्सियों को खोला जा रहा है जिसमें गरुड़ भगवान जी को छोड़ा गया, और इन रस्सियों को बाद में जो प्रसाद के रूप में सभी ग्रामवासियों को बांटा जाएगा, उनको बारीक बारीक काट के प्रसाद के रूप में ग्रामवासियों को दिया जाता है। यहाँ पे हमारे जो ड्योरा यात्रा के 5 पांडवों के जो पात्र थे, जैसे तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे नाचने लग गए हैं और जो अपना नृत्य सभी लोगों को दिखाने लग गए। दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक देखा आज का ब्लॉगिंग के माध्यम से, और जो लाइव भी देख रहे ना आप लोग आज का, जैसे कि आपने देखा आज जो माँ द्वारी माता का जो गरुड़ क्षण आज गरुड़ क्षण था, जो माँ द्वारी माता का ड्योरा यात्रा का जो अंतिम गरुड़ क्षण नृत्य था, पर कल माँ द्वारी माता अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएगी वापस। हमारे
केरवाल के पात्र थे, वो हल लगा के सभी गाँव वालों के लिए बोल दिया जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर लें। और आगे आपसे पूछूंगा तो यह कि जो आज जन सैलाब यहाँ को उभरा था, आपको जन सैलाब का दर्शन भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक किया भगवान गरुड़ जी के दर्शन, और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सामने जो मचा कर ले जा रहे हैं, उस टोकरी में भगवान गरुड़ और भगवान नारायण जी को, और जो वहाँ पे नाग देवता को बनाया गया था, उन तीनों को उस टोकरी में नाच गानों के साथ जो उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ पे माता रानी का जो स्थान है। उसके बाद कल उस टोकरी को इसी तरह से नाच गानों के साथ शोला शिमार में ले जाया जाएगा, जहाँ पे कि भगवान नारायण जी को और जो नाग देवता है उनका विसर्जन किया जाएगा। और वहीं पे जो हमारे एरवाल के पात्र जाएंगे हैं वहाँ पे जो हल जोत का दिन लगाएंगे, जिससे कि कंस फाड़ा भी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे कंस फाड़ा किया जाएगा। जो कार्यक्रम कंस फाड़ा का हुआ आपको कल के ब्लॉग में दिखाया जाएगा। उसके बाद जो कल के बाद जो ग्रामवासियों के लिए हल खोलने की जो प्रक्रिया की जाएगी, वो जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पर एरवाल के पात्र हल जोत का जो दिन लगाएंगे। नाचो बाजो रागी रायो, नाचो बाजो रागी रायो, गाजो बाजो रागी रायो, गाजो बाजो रागी रायो, तेरा पांचा दे दियो रे रागी रायो, पांचा